just wanna feel mine. Hey you, I'm gonna be the one for another one. Hey you, maybe then you'll know that I was never one. I don't wanna see you, I don't wanna fear you tonight. You don't wanna know me, you just wanna make sure you're. वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। सो आज हमारे सामने टाटा नेक्सॉन। इस गाड़ी में आपको टोटल 7 वेरिएंट्स मिलते हैं, XE, XM, XMS, XZ, XZ Plus, XZ Plus S एंड XZ Plus ऑप्शनल। अभी जो आप देख रहे हैं इसका XMS वेरिएंट। आप ये कह सकते हैं कि कॉम्पैक्ट SUVs में सबसे सस्ती गाड़ी है जिसमें आपको सनरूफ ऑफर किया गया। प्राइस स्टार्ट हो जाता है एक शोरूम 9,14,900 रुपीज़। एंड ये इसका XMS ऑटोमेटिक वेरिएंट है। इसमें पेट्रोल की एक्सशोरूम प्राइस आपको पड़ती है 9,79,900 रुपीज़। वहीं अगर आप डीजल ऑप्ट करते हैं तो उसकी एक्सशोरूम प्राइस रहेगी 10,99,900 रुपीज़। बाकी चले करते हैं वीडियो को स्टार्ट। एंड अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ऐसा कुछ रहने वाला गाड़ी का फ्रंट लुक। सेंटर में टाटा का लोगो के साथ आपको ब्लैक पैनो फिनिश में ग्रिल दी गई है। नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको लाइसेंस प्लेट की जगह मिलेगी एंड नीचे ट्रायरो डिज़ाइन में मिलेगी आपको लोअर ग्रिल मैट ब्लैक फिनिश में। साइड पर आते हैं तो सबसे पहले आप ये हेडलैम्प्स देख रहे हैं। इसके साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगी नेक्सॉन की ब्रांडिंग। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स रहेंगे ऐसे कुछ दिखते हैं ऑन करने पर। एंड इसी के साथ में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये DRL देखने को मिल जाएगी। काफ़ी अच्छा डिज़ाइन लग रहा है इसका भी। इसके नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको इस वेरिएंट में फॉग लैम्प्स नहीं मिलेंगे, साथ में इंडिकेटर्स दिए गए हैं। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इसमें आपको मिलती है 209 mm की ग्राउंड क्लियरेंस। चलते हैं गाड़ी के साइड पर तो यहाँ पर आपको दिए गए हैं 16 inch के स्टील व्हील्स जिनका साइज़ रहेगा 195/60R16। ऊपर आपको सिल्वर कैप्स देखने को मिल जाएंगी। व्हील कैडिंग दी गई है यहाँ पे। एंड यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे ब्लैक मैट फिनिश में ORVMs। ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल रहेंगे। डोर हैंडल्स भी आपको ब्लैक मैट फिनिश में मिलवाने हैं। बाकी ऐसा कुछ रहने वाला गाड़ी का साइड प्रोफाइल। 3993 mm लेंथ एंड 1606 mm हाइट है गाड़ी की। व्हील बेस की बात करें तो 2498 mm का इसमें आपको व्हील बेस मिलने वाला है। फ्रंट डिस्क एंड रियर ड्रम ब्रेक्स मिलेंगी एंड सी पिलर मिलेगा आपको ब्लैकआउट। चलते हैं गाड़ी के रियर प्रोफाइल पे। तो गाइस ऐसा कुछ रहने वाला गाड़ी का रियर लुक। काफ़ी ब्रॉड लुक है गाड़ी का। टॉप पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको सिल्वर रूफ रेल्स देखने को मिल जाएंगी, सनरूफ एंड यहाँ पे एक एंटेना दिया गया, हाई माउंट स्टॉप लैम्प। एंड इसमें आपको कोई भी डिफॉग वाइपर नहीं मिलेगा। वोकल फॉर लोकल का स्टिकर एंड यहाँ पे भी आपको ये स्टिकर देखने को मिल जाएगा। टाटा का लोगो एंड इसी के साथ आपको ये ग्रे फिनिश देखने को मिल जाएगी एंड नीचे ब्लैक ग्लॉस फिनिश। साइड पर आते हैं तो यहाँ पे आपको मिलते हैं LED टेल लैम्प्स जो कि नाइट में गाड़ी की लुक और भी एनहांस करते हैं। बाकी यहाँ साइड पे चलते हैं तो यहाँ पे आपको सेंटर में देखने को मिल जाएगी नेक्सॉन की बैजिंग क्रोम फिनिश में। यहाँ से पकड़ के आप टेल गेट ओपन कर पाएंगे। नीचे आते हैं तो यहाँ पे इस साइड आपको देखने को मिल जाएंगे रिफ्लेक्टर्स एंड आपको मिल जाएगी लाइसेंस प्लेट की जगह, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, ट्रायरो डिज़ाइन, अगेन मैट ब्लैक फिनिश। नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी एग्जॉस्ट पाइप। तो चलिए अब आपको दिखा देता हूँ गाड़ी की कीज़। सो ऐसी कुछ रहने वाली है गाड़ी की कीज़। एक नॉर्मल की मिलेगी आपको एंड एक आपको मिलेगी रिमोट की। लॉक अनलॉक एंड फॉलो मी हेडलैम्प का बटन मिलेगा इसमें आपको। यहाँ आपको कोई भी रिक्वायर्ड सेंसर नहीं मिलता टेल गेट अनलॉक करने के लिए। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको की पे जो ये लाइट का बटन है इसको होल्ड करके रखना पड़ेगा, इससे गाड़ी का टेल गेट अनलॉक होगा। देख सकते हैं आप अनलॉक हो गया ये। गाड़ी के बूट स्पेस की बात करें तो 350 liters का इसमें आपको बूट स्पेस मिलता है। कोई भी पार्सल ट्रे नहीं मिलने वाली है इसमें। साइड पर आते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी लगेज लैम्प, ग्रॉसरी हुक्स एंड ये रियर सीट्स आपको मिलेंगी बेंच फोल्डिंग। यहाँ आपको मिलती है टायर मोबिलिटी किट, यहाँ पंचर किट भी कह सकते हैं इसे। स्पेयर व्हील चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा सेम साइज़ का स्पेयर व्हील 195/60R16। साथ में टूल किट दी गई है यहाँ पे। बाकी सेफ्टी में इसमें आपको मिल जाएगा ABS CVT, ड्यूल एयर बैग्स, क्रैश सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, मल्टी ड्राइव मोड्स, फॉलो मी होम हेडलैम्प्स एंड आइसोफिक चाइल्ड सीट माउंट जैसे सेफ्टी फीचर्स। चलते हैं गाड़ी के रियर सीट्स पे तो ऐसा कुछ रहने वाला है गाड़ी का रियर डोर ऑल ब्लैक फिनिश में विद ग्रे एसेंट्स। यहाँ पर आपको मिलेगा ब्लैक डोर हैंडल्स, ग्रे फिनिश एंड यहाँ पावर विंडो के कंट्रोल्स, मैगजीन होल्डर दिया गया है यहाँ पे। इसी के साथ नीचे मिलेगा आपको स्पीकर। सिटिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलेगी फैब्रिक सीट अपॉल्सरी। चलिए चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में। 5'11" मेरी हाइट है, उस हिसाब से आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लेग स्पेस मिल रहा है मुझे। यहाँ पर आपको मिलेंगे ग्रैब हैंडल्स,
रियर हेडरेस्ट आपको मिलने वाले हैं फिक्स्ड, कोई भी सेंटर आर्मरेस नहीं मिलेगा इस वेरिएंट में। यहाँ नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको फोन स्पेस मिल जाएगी, इसके अलावा कोई भी पावर सॉकेट नहीं दिया गया यहाँ पे। एंड ऐसा कुछ रहने वाला डैशबोर्ड का लुक ड्यूअल टोन ब्लैक एंड ग्रे फिनिश में। चलिए चलते हैं अब गाड़ी के ड्राइवर सीट पे एंड देखते हैं क्या कुछ ऑफर किया गया वहाँ पे। सो गाइस ये है गाड़ी का ड्राइवर डोर, अगेन ब्लैक एंड ग्रे फिनिश में, ब्लैक हैंडल्स एंड यहाँ से आप ORVM एडजस्ट एंड फोल्ड कर सकते हैं, अगेन ग्रे फिनिश। एंड यहाँ आपके आ जाएंगे ऑल पावर विंडो के कंट्रोल्स, बॉटल होल्डर, यहाँ आपको मिलेगा स्पीकर एंड यहाँ आपको मिलती है ओपन डोर वार्निंग लाइट। बाकी ड्राइवर सीट की बात करें तो यहाँ पे आपको कोई भी हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलने वाला, आप सिर्फ रिक्लाइन एंड स्लाइड कर पाएंगे। यहाँ इस इवेंट की सराउंडिंग में आपको मिल जाएगी ग्रे फिनिश एंड यहाँ नीचे आपको दिया गया लीवर बोनेट ओपन करने के लिए एंड यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं फ्यूल लिड। चलिए चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में। सो इसी है गाड़ी का इंटीरियर ड्यूअल टोन फिनिश में, एक बार इग्निशन ऑन कर लेते हैं गाड़ी का। सो गाइस ऐसा कुछ रहने वाला गाड़ी का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, लेफ्ट साइड पे आपको शो करेगा RPM, राइट साइड पे आपको शो करेगा इंजन टेम्परेचर, फ्यूल लेवल एंड सेंटर पे आपको दी गई MID जो आपको शो करेगी डिजिटल स्पीड, ओपन डोर वार्निंग, ड्यूअल ट्रिप मीटर, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन, डिस्टेंस टू MT, आउटसाइड टेम्परेचर एंड गियर इंडिकेटर जैसी इंफॉर्मेशन। इसके सराउंडिंग्स में आपको ये डार्क क्रोम फिनिश देखने को मिल जाएगी एंड ये है इसका D-cut 3-spoke स्टीयरिंग व्हील। स्टीयरिंग की एडजस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको सिर्फ टिल्ट का फीचर मिलने वाला है, टेलीस्कोपिक नहीं रहेगा ये। वहीं यहाँ साइड पे आएंगे वाइपर कंट्रोल्स एंड इस साइड हेडलाइट के कंट्रोल्स एंड यहाँ आपको ये ब्लैक पियानो फिनिश देखने को मिल जाएगी, टाटा का लोगो, सिल्वर फिनिश एंड इस साइड आ जाएंगे वॉल्यूम एंड कॉलिंग के कंट्रोल्स। वहीं राइट साइड पे कोई भी कंट्रोल नहीं दिया गया। सेंटर में आते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 3.5 inch का टोड इन ऑडियो सिस्टम जो सपोर्ट करेगा ब्लूटूथ एंड रेडियो एंड इसके साथ आपको मिलने वाले हैं टोटल 4 स्पीकर्स। हार्ड प्लास्टिक मिलेगा यहाँ पे, हजार्ड स्विच, AC वेंट्स, यहाँ आपको मिलेंगे शॉर्टकट कीज म्यूजिक सिस्टम के लिए। इसके नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा ये मैनुअल AC की यूनिट, ये पार्ट भी आपको पूरा ब्लैक ग्लॉस फिनिश में मिलने वाला है। इसके बाद यहाँ आते हैं तो यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिल जाएगा टेल गेट ओपन करने के लिए बटन एंड ये है 6-speed ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। इसके सराउंडिंग में भी आपको ये ब्लैक पियानो फिनिश देखने को मिलेगी। 3 ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं इसमें आपको, सिटी, इको एंड स्पोर्ट। यहाँ पे आपको कुछ स्पेस देखने को मिल जाएगी एंड इस वेरिएंट में आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलता, आप शोरूम एंड से इंस्टॉल करवा सकते हैं। हैंड ब्रेक एंड यह गाड़ी का डैशबोर्ड ड्यूअल टोन ग्रे एंड ब्लैक फिनिश में। ग्लव बॉक्स ओपन कर लेते हैं तो इतना कुछ स्पेस मिलने वाला आपको ग्लव बॉक्स में, कप होल्डर्स तक दिए गए हैं इसमें, काफ़ी अच्छा स्पेस मिलता है आपको इसमें। ऊपर आते हैं तो यहाँ पे नॉर्मल IRVM दिया गया है, कैबिन लाइट LED में मिलेगी आपको। यहाँ आपका आ जाएगा ड्राइवर सन वाइजर टिकट होल्डर के साथ, यहाँ आपका आ जाएगा माइक एंड को ड्राइवर साइड आपको यहाँ पे वेंटी मिरर भी मिलेगा। तो चलिए आते हैं गाड़ी के मेन हाईलाइट सनरूफ पे, उसके कंट्रोल्स आपको यहाँ मिलने वाले हैं। इतना कुछ साइज रहने वाला है सनरूफ का। बाकी इसमें आपको टिल्ट का फीचर भी मिल जाता है, आप टिल्ट भी कर सकते हैं सनरूफ को। सो गाइस ये था नेक्सॉन XMS का इंटीरियर। चलिए चलते हैं अब करते हैं गाड़ी के इंजन के बारे में बात। सो गाइस ये गाड़ी का इंजन लेआउट, ऊपर आपको इंसुलेशन देखने को मिल जाएगी। अगर आप लेते हैं इसमें पेट्रोल इंजन तो उसमें आपको मिलेगा 3-cylinder 1.2 liter टर्बोचार्ज रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन जो पावर प्रोड्यूस करेगा 120 PS की विद 170 Nm मैक्सिमम टॉर्क। वहीं अगर आप डीजल इंजन लेते हैं तो उसमें आपको मिलेगा 4-cylinder 1.5 liter टर्बोचार्ज रेवोटॉक डीजल इंजन जो पावर प्रोड्यूस करेगा 110 PS की विद 260 Nm मैक्सिमम टॉर्क। सो गाइस ये थी ओवरऑल इन्फॉर्मेशन नेक्सॉन XMS वेरिएंट की। कैसे लगी आपको गाड़ी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर आप वीडियो पसंद आई है मेरी तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें एंड मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।